भूख हड़ताल हड़ताल चक्का जाम और एहतजाज के जरिए हासिल हुआ है उसी तेलंगाना के अंदर डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार साहब आज यूपीएससी में जो पेपर लीक हुआ है ग्रुप वन के जो पेपर लीक हुआ है उसके एहतजाज के लिए वो पेपर को कैंसिल करते हुए वो एग्जाम को कैंसिल कर देंगे दोबारा एग्जाम करवाने के लिए मुतालबा करने के लिए आज तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी या पार्टी ऑफिस ने भूख हड़ताल बैठने का ऐलान किया वो ऐलान कर केसीआर गवर्नमेंट उनका आवाज को दबाने के लिए इनके भूख हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए और आवाम ने जो जमहूरी हक है एहतजाज एक जमहूरी हक है वो जमहूरी हक को रोकने के लिए और केसीआर ने आज डॉक्टर सरीन पर सबको उनकी भूख हड़ताल का रोक दिया और हमको भी गिरफ्तार किया गया। क्या जरूरी नहीं है कि हम एहतजाज करें? जमहूरियत में क्या एहतजाज करने का हक हासिल नहीं है? अवाम अपने एहतजाज के जरिए अपनी बात हुकूमत के जरिए लाने के लिए हमने ये जो कोशिश की हमारी आवाज़ को दबाने के लिए और हमारे को इस तरह से कोशिश की जा रही है अरेस्ट किया जा रहा है। एक अवाम की आवाज़ के लिए एक हजारों लाखों बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी किए जो गाँव से आकर के यहाँ हैदराबाद में उन्होंने अपनी कोशिशें की उनकी आवाज़ को दबाने के लिए आर एस प्रवीण कुमार साहब इन नौजवानों के साथ इन बच्चों के साथ में रहेंगे। हम जो है रहना बेहतर साफ और शफाफ की तरफ देते हैं। हम इतिहास करते रहिए हमारी आवाज़ दबाया नहीं जा सकता। जय भीम जय भारत।